प्लांट्स क्या होते हैं, क्यों हमारे लिए प्लांट्स लगाने बहुत ही ज़रूरी है, प्लांट्स से हमें क्या क्या मिलता है, कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस के आंसर लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लांट्स कई तरीके के होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ बेल होती हैं, तो हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं बता सकते हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि बच्चों को कुछ वेजिटेबल से रिलेटिव या आपके पास जो भी सीड्स हैं वो किस तरह लगाना सिखा सकते हैं बच्चों को। बच्चों को ज़रूर बताएं कि ये क्यों लगाते हैं, हम किस तरह लगाते हैं, क्या क्या इन चीज़ों के लिए ज़रूर होती है। पेड़ों से हमें क्या मिलता है, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ लगाने से ना बारिश अच्छे से होती है, सूखा नहीं पड़ता है, बाढ़ नहीं आती है। पेड़ पौधे लगाने से पॉल्यूशन कम होता है। तो बच्चों को इन चीज़ों की नॉलेज ज़रूर दें। से रिलेटिव आज मैं आपके साथ कुछ वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो मैं आजकल अपनी बेटी को सिखा रही हूँ। मेरी बेटी 5 साल की हो गई है और हमने मैंने उसे स्टार्ट किया है कि पेड़ पौधे या सब्जियाँ हम किस तरह उगाते हैं, किस तरह वो ग्रो करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें उसके लिए चाहिए होती हैं और उसके बाद वो हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपनी बिनी को किस तरह सिखाया है कि हमें कैसे प्लांट लगाने चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी पेड़ को पेड़ बनाने के लिए उससे पहले हमें सीड्स की जरूरत पड़ती है। सीड्स को बीज को बोलते हैं। हमें बीज की जरूरत पड़ती है और उससे भी पहले हमें मिट्टी की जरूरत होती है। इंग्लिश में मिट्टी को सॉइल बोलते हैं। तो हमें मिट्टी की जरूरत होती है। इसके बाद हमें कुछ सीड्स की जरूरत होती है। हमारे पास यहाँ पे कुछ सीड्स हैं, कैरेट, गाजर के सीड्स हैं, कुकुम्बर, खीरे के सीड्स हैं, कोरिएंडर, धनिया के सीड्स हैं, टमाटो, टमाटर के सीड्स हैं और ये ग्रीन चिली, चिली के सीड्स हैं। आज हम यही सीड्स लगाएंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये कैरेट के सीड्स हैं। अंदर से जो हमने पैकेट ओपन किया उसके अंदर इस तरह के सीड्स निकले हैं कैरेट के। कैरेट के सीड्स को लगाने के लिए हमेशा इस तरह के छोटे छोटे हॉल बनाने होते हैं और उसमें कम से भी कम 10 या 15 सीड्स एक साथ डालने होते हैं। देख सकते हैं आप अच्छी तरह ये होल बना हुआ है। यहाँ पे हमने अपने फिंगर की हेल्प से होल बनाया है और इसमें हमने कुछ सीड्स डाले हैं। ये यहाँ पर धनिया के बीज हैं और धनिया के बीज को भी हमें गाजर के बीज की तरह होल बना बना के 5-5 दाने एक एक होल में डालने हैं। देखिए इस तरीके से हमें डालना है। ये हैं खीरे के सीड्स, कुकुम्बर के सीड्स, कुकुम्बर के बीज। तो इन्हें भी हमें इस तरह होल बना के उसमें 5-5 दाने या 6-6 दाने एक साथ डालने हैं। फिर इन होल्स को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कवर कर देना है, इस तरीके से धीरे धीरे से मिट्टी डाल के उनको पुश नहीं करना है, सिर्फ हल्के हल्के हाथ से मिट्टी उनके ऊपर डालनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पुदीना की कुछ पत्तियाँ मैंने ली हुई हैं। पुदीने की पत्तियों को भी अगर आप मिट्टी में इस तरह लगा दें तो अब पुदीना आ जाता है, उसके सीड्स की जरूरत नहीं होती। इस तरीके से पुदीने को इस तरीके से लगाइए तो पुदीना होता है। सारे प्रोसेस के बाद धीरे धीरे सारे बीजों के ऊपर, जहाँ पूरी मिट्टी के ऊपर इस तरीके से पानी डालिए धीरे धीरे से करके। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, धीरे धीरे से पानी डालना है ताकि मिट्टी थोड़ी थोड़ी गीली हो जाए, बहुत ज़्यादा गीली ना हो, ध्यान रखें इस तरीके से। इस तरह जब आप सीड्स लगाते हो, सीड्स लगाने के बाद कम से कम 3 महीने तक सुबह और शाम 2 टाइम इसी तरह पानी देना चाहिए सीड्स को। धीरे धीरे ये सीड्स प्लांट में बदल जाते हैं। कुछ महीने बाद, 3 महीने बाद डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हफ्ते में 2 बार पानी दे सकते हैं और धीरे धीरे जिस तरह बच्चों को ज़रूर बताएं कि जिस तरह बच्चों के ग्रोन अप होने के लिए उन्हें फूड और मिल्क की ज़रूरत होती है, इसी तरह सीड्स को प्लांट बनने के लिए पानी उनके लिए फूड का काम करता है। इसमें हम खाद का यूज़ भी करते हैं, सीड्स का फूड खाद होता है। बच्चों को ज़रूर सिखाइए कि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ से पॉल्यूशन कम होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।